नमस्कार, मैं हूँ फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। मुंबई में कोरोना वायरस से हर कोई परेशान है, क्योंकि कोरोना किसी को नहीं पहचानता है। कौन है अमीर, कौन है गरीब। जिस शहर में कोरोना पॉजिटिव पाया जा रहा है, उस शहर में, उस गली में हड़कंप सी मच जा रही है। मुंबई में एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों वाली कॉलोनी धारावी से लेकर सीएम उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के पास तक कोरोना के मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद मातोश्री के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया है। अब सवाल ये भी है, अपनी जान की बाजी लगाने वाले वो डॉक्टर, पुलिस, पत्रकार जो समाज को लेकर काफ़ी चिंताएं जता रहे हैं, काफ़ी चिंतित हैं, काफ़ी आगे आ रहे हैं, आखिर पुलिस प्रशासन पूरी शक्ति में आदेश अनुसार काम कर रही है? कहीं प्यार से जनता को समझा रही है तो कहीं इस लॉकडाउन के बीच घरों से बाहर निकलने वालों पर, या यूं कहें बिना वजह घूमने वालों पर डंडे बरसा रही है? क्या इनको अपनी जान की चिंता नहीं है? क्यों वो कोरोना वायरस के दहशत में नहीं है? वो भी दहशत में है, मगर आपको सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। और वैसे ही डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी पेशेंट को कैसे ठीक करें उसकी उन्हें चिंताएं हैं। और देश का चौथा स्तंभ पत्रकार जो समाज हित के लिए, वो ये नहीं देखता आगे क्या होगा, मगर इस देश की जनता को अपनी अखबारों के जरिए, न्यूज चैनलों के जरिए आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं, आपको सतर्क कर रहे हैं। इसी मामले को देखते हुए कल्याण लोकसभा क्षेत्र के खासदार श्रीकांत शिंदे व कैबिनेट मंत्री एकनाथ शिंदे दोनों लोगों ने आगे आए हैं। दिन रात जो अपनी ड्यूटी पर पुलिस ऑफिसर या डॉक्टर या पत्रकार जो मेहनत कर रहे हैं, लोगों तक खबरें पहुँचा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उनके लिए आगे आए हैं। फ्री चेकअप करने के आदेश दिए हैं। ठाणे, कलवा, मुमरा, डोंबोवली, कल्याण, अंबरनाथ, उल्लासनगर, इन इलाकों में, यानी कल्याण लोकसभा क्षेत्र में, चाहे वो डॉक्टर हो या पुलिस हो या पत्रकार हो, इन सभी के लिए श्रीकांत शिंदे आगे आए हैं। उनका जो है चेकअप कराया जा रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप देखें कैसे इसकी जाँच किया जा रहा है। और अगर इनमें से किसी को कोविड 19 जैसे संक्रमित मामले पाए जाते हैं तो फिर इन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा और उनकी उपचार किया जाएगा। बहरहाल ये एक सराहनीय काम है खासदार श्रीकांत शिंदे की। दरअसल राज्य के भीतर मुंबई में सबसे ज़्यादा मामले हैं, 1000 के पार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि कोविड 19 से मरने वालों का पुलिस पंचनामा नहीं करेगी। पुणे में एक ही दिन में कोरोना के 3 मरीजों की मौत के बाद पुलिस ने कई इलाकों में फैलने से रोकने के लिए प्रतिबंधों की सख्त किया है। ज़रूरी सामानों की दुकानें भी सुबह 10 से या 12 यानी 2 घंटे ही खुले रहेंगी। कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या महाराष्ट्र में 1018 हो गई है। हर रोज आंकड़े बढ़ रहे हैं और अभी तक कोरोना के कारण महाराष्ट्र में 64 लोगों की जान जा चुकी है, जिसकी पुष्टि हुई है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।